થોડું થયું છે એ બદલ આપ સૌની ક્ષમા ચાહું છું. સૌ પહેલા બહુ નાનો એવો એક કાર્યક્રમ, એક પુસ્તક વિમોચનનો છે, 2-3 મિનિટનો. તો એ હું પ્રકાશભાઈને વિનંતી કરું, 2-3 મિનિટમાં એમની વિગત આપી અને માનનીય રાણીબેનના હાથે પુસ્તક વિમોચન થશે. પ્રકાશ सर्वांगी विकास के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है, वैसी दो बहनें कांताबेन और हरिदासबेन के जीवन और उन दोनों का एकत्व की यह कथा है. मुख्यत्व त्रिविध एकत्व की साधना की यह कथा है. एक कर्मों को विकर्म में पलटते हुए गांधी विनोबा को ही आत्मसात करते हुए जीवन भर का अपने काम के साथ का एकत्व. दूसरा द्वैत में से अद्वैत की साधना का, दोनों बहनों का आपस का एकत्व. और तीसरा सबसे जिसका बात उजागर होता है, ऐसे जीवन के मर्म को साक्षात्कार करते हुए परम शक्ति के साथ का उनका एकत्व. हमारा सौभाग्य है. हमारा सौभाग्य है कि महाराष्ट्र के दुर्गम आदिवासी विस्तार गढ़चिरौली को अपना कार्यक्षेत्र बनाया है, वैसी हमारी गांधीवादी बहन रानीबेन बंग के कर कबलों से यह पुस्तक की नवीनीकरण पंचम आवृत्ति का आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर गांधी आश्रम साबरमती में लोकार्पण हो रहा है. यह एक शुभ संयोग है. यह पुस्तक का आज लोकार्पण कार्यक्रम यहां आयोजन करने के लिए मैं गांधी आश्रम के संचालक को बहुत आभारी हूँ. इस अवसर पर रानीबेन बंग, माननीय इलाबेन जी और यहाँ उपस्थित सब गांधीजनों का मैं सर्वोदय परिवार ट्रस्ट की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ. आप सब लोगों की यहाँ उपस्थिति से हमारा सम्मान बढ़ा है. यह पुस्तक आज गांधी आश्रम के पुस्तक विचार विभाग में 50% डिस्काउंट से उपलब्ध होगा. अब मैं रानीबेन को विनती करता हूँ तो उसका लोकार्पण संपन्न करें. સામાન્ય રીતે 2 ઓક્ટોબરના કાર્યક્રમનો ઉપક્રમ એવો રહેતો હતો કે મુખ્ય મહેમાન હૃદયકુંજ પર વક્તવ્ય આપે અને સંબોધન કરી અને ના છૂટા પડે. થોડા વખતથી અમે એવો વિચાર કરતા હતા, ટ્રસ્ટીશ્રીઓ સાથે પણ ચર્ચા કરી, કે આવનાર મહેમાનનો જે અનુભવ હોય છે અને એ અનુભવનો લાભ જે નગરજનોને લેવો જોઈએ અથવા લેવા ઈચ્છે છે એનો અને એ વખતે હાજર રહેલા લોકોનો કંઈ મિસમેચ જેવું લાગતું હતું, એટલે અમે એવો વિચાર કર્યો કે એમને થોડું આપણે વચ્ચે એક વિરામ આપીએ અને બહુ નાની એવી બેઠક પણ બહુ જુદી રીતે આવનારા મહેમાન સાથે ગોષ્ઠી ચર્ચા અને એમની વાત વિચારને આપણે સારી રીતે સમજી શકીએ
એ સંદર્ભમાં રાણીબેન સાથે આપણે આજે અત્યારે પણ બોલ્યો છે. તો મેં પહેલે આપસે વિનંતી કરેલી, આપ કામ કે બારે થોડા વિસ્તાર સે ચર્ચા કરો, તો કે આપ ક્યા બારે મેં જાણને કે લીએ બહોત એક લાઈક મેડિડ પીપલ આર હિયર, ઓર ઉસકે બાદ મેં થોડા પ્રશ્નો કરી હોગી. ઉપસ્થિત સભી આદરણીય અતિથિગણ, સર્વપ્રથમ તો મેં આપ સબને બહોત બહોત ધન્યવાદ દેના ચાહતી હું કે આજ મુજે આપ લોગોને યહાં બુલાયા ઓર મુજે કુછ બોલને કી ઉપલબ્ધિ પ્રાપ્ત કરકે દી. સચ બોલે તો મેં બહોત હી સામાન્ય વ્યક્તિ હું, પર મુજે તીન ચીજો કા બહોત બડા અભિમાન હૈ. એક તો મેં સ્ત્રી કરકે પૈદા હુઈ હું, દૂસરા મેં ગાયનોકોલોજિસ્ટ હું, સ્ત્રી રોગ તજ્ઞ હું. તો એ રોજ કઈ સારી ગ્રામીણ મહિલા, આદિવાસી મહિલાઓ કે સાથ મેં ઉનકે શરીર કે અંગ કે જો દુઃખ હૈ વો તો હું મુજસે શેર કરતી હૈ, ઓર ઉનકે જિંદગી કે અનેક બાતોં સે ભી મેરા પરિચય હોતા હૈ. ઓર તીસરી બાત કા મુજે અભિમાન હૈ વો હૈ મેં દો લડકોં કી માં હું, અભી દો બહુઓં કી માં. આજ અભી ઇસ કિતાબ કા જો વિમોચન હુઆ હૈ, કાંતા બહેન ઓર હરવિલાસ બહેન, ઉનકો મેને હમેશા પવનાર આશ્રમ મેં દેખા હૈ, સેવાગ્રામ આશ્રમ મેં દેખા હૈ, સર્વ સેવા સંઘ કી જહાં જહાં ગોષ્ઠીઓ હોતી થી વહાં દેખા હૈ. ઓર ઉન દોનો કો મેં બહોત કુતૂહલ સે દેખતી થી, બહોત આદર સે દેખતી થી. મેરી મધર ઇન લૉ જો હૈ સુમનતાઈ બંગ, उन्होंने उनके बारे में मुझे हमेशा बहुत बताया था. बा को मैंने कभी देखा नहीं, बापू को कभी देखा नहीं, पर कांता बहन और हलविलास बहन को देख के मुझे लगता था अरे क्या जादू की होगी बा और बापू ने, ये तो बिल्कुल बा की मुझे प्रतिकृति दिखाई देती है. नवनीत भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त, इतना अच्छा काम करते थे, पर उनकी सुरीली आवाज़, सुरीला संगीत वो भी हमारे मन में हमेशा गूंजते रहता है. तो आज मैं बहुत बहुत खुद को भाग्यशाली समझती हूँ कि आज इस किताब का विमोचन मेरे हाथ से हुआ है. अभी आप लोगों ने मुझे कहा कि मैं अपने काम के बारे में बताऊं, मैंने सोचा आज का अवसर ध्यान में रखते हुए और गांधी जी की जो 150वीं जयंती है, तो मेरे जीवन में जो अनुभव आए, एक महिला होने के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, तो काम के बारे में मैं थोड़ा ज़्यादा नहीं बोलूँगी, पर गांधी जी के विचारों का मेरे जीवन में क्या प्रभाव हुआ इसके बारे में मैं ज़रूर बोलना चाहती हूँ. मेरी माँ, मेरे पिताजी बहुत बड़े डॉक्टर थे. मैं बहुत अमीर घराने में पैदा हुई हूँ. मेरी माँ पढ़ी थी, 10वीं पढ़ी थी, पर बहुत सयानी थी. और उन्होंने, मेरी माँ ने एक बार मुझे कहा, क्योंकि मैं हमेशा स्कूल में पहली आती थी, कॉलेज में पहली आती थी, तो एक बार उन्होंने कहा कि रानी मैं आशीर्वाद देती हूँ कि तुमने एक बार फेल होना चाहिए, नापास होना चाहिए. और मुझे बड़ा गुस्सा आया कि सभी माँ बाप चाहते कि अपने बच्चे प्रथम आए, और यहाँ मेरी माँ कहते कि तुमने फेल होना चाहिए. मैं बहुत झगड़ती थी. और एक दिन मेरी माँ ने मुझे समझाया कि रानी जिंदगी इतनी सहज सुंदर नहीं है, जिंदगी में बहुत सारे संकट आते हैं, लाइफ इज़ नॉट अ रेड कार्पेट, और तुमको कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, कभी तुमको ना सुनना नहीं पड़ता है, पर जिंदगी में ऐसा नहीं होगा. और तुमने एक बार किसी अपयश का सामना किया तो आगे की जिंदगी में तुम कितने भी संकट आए तो भी उसे झेलने के लिए तुम समर्थ हो जाओगे. और उसने मुझे कहा कि हमेशा ध्यान में रखो कि जब ये संकटें अपने ऊपर आती है तो भगवान उसकी जो निर्मिति करता है वो अपने भलाई के लिए ही करता है, क्योंकि तो एक संकट आपने पार किया तो दूसरा संकट पार करने की आपकी ताकत बढ़ती है. आगे विनोबा जी से भी मैंने यही सुना था. उस समय मेरी बाल बुद्धि को, बाल मन को समझा नहीं था,
पर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई और अभय के साथ शादी की, काम शुरू किया, तो उसने की सच्चाई मुझे बहुत भाने भाते लगी। कुछ प्रसंग मैं बताऊंगी आपको। मेरे घर में मेरे नाना जी कांग्रेस के बहुत बड़े वर्कर थे, मंत्री थे। हमारे घर में मेरे माँ पिताजी गांधी जी के भक्त थे। बहुत बड़े ऐसे 4 फोटो हमारे घर में लगाए हुए थे और हमारे माँ पिता कहते थे कि रोज सुबह उठ के इन फोटो को प्रणाम करो और उनसे प्रेरणा लो। कितने फोटो थे वो? एक फोटो था महात्मा गांधी का, दूसरा फोटो था वल्लभ भाई पटेल का, तीसरा फोटो था सुभाष चंद्र बोस और चौथा फोटो था झांसी की रानी लक्ष्मी, मुझे याद है। और हमेशा मेरे माँ पिताजी कहते थे सत्य ही जीवन का अंतिम सत्य है, जो गांधी जी हमेशा कहते थे। और सत्य को कभी नहीं छोड़ना, किसी भी हालत में सत्य को नहीं छोड़ना। मुझे याद है मैं फाइनल MBBS के एग्ज़ाम दे रही थी, पहला ही पेपर था। हमेशा मैं और अभय यूनिवर्सिटी के टॉपर्स रहते थे। प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन का पहला पेपर था और सब लोग अपेक्षा कर रहे थे कि मुझे उसमें गोल्ड मेडल मिलेगा, मैं पहली आऊँगी। पेपर मैंने छुड़ाया, मुझे सब कुछ आया था और बाहर आई और सब बाकी के क्लासमेट्स चर्चा कर रहे थे प्रश्न के बारे में। ये प्रश्न बहुत कठिन था, कैसे सुलझाया तुमने, वो मुझे पूछ रहे थे। मैंने कहा कहाँ था वो प्रश्न? उन्होंने कहा अरे तुमने देखा नहीं, वो जो पेपर था हमारा उसके पिछले भाग में वो सवाल था, 16 मार्क का सवाल था। और मैंने जल्दबाजी में, मैं इतनी एक्साइट हो गई थी कि मुझे सब कुछ आ रहा है, तो जल्दबाजी में मैंने पेपर पलट कर ही नहीं देखा और 16 मार्क का मेरा सवाल छूट गया। हमारे क्लास के सब लड़के, जिसमें अभय भी मेरा क्लासमेट था, सभी ने कहा नहीं नहीं ये तो अन्याय है, रानी को तो मार्क मिलने चाहिए। फिर उन्होंने चीफ इन्विजिलेटर को रिक्वेस्ट की कि अभी थोड़ा समय है तो आप इनको थोड़ा पेपर दीजिए, 5-10 मिनट तो भी उनको लिखने दीजिए। मेरी इच्छा नहीं थी पर ज़बरदस्ती मुझे अंदर भेजा गया। मैंने वो पेपर हाथ में लिया और मुझे गांधी जी का फोटो मेरे सामने आया, मेरे माँ पिता जी का चेहरा मेरे सामने आया और मुझे लगा मैं नापास हुई तो भी बेहतर, मुझे गोल्ड मेडल नहीं मिला तो भी बेहतर, पर मैं सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। आज ये पेपर यदि मैं लिखूंगी तो वो गैरकानूनी है एक्चुअली, और मैं ज़िंदगी में कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। और मैंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं छोड़, ये पेपर लिखना नहीं है। मैंने वो पेपर छोड़ दिया और बाहर आई। सब लोग मुझे हंस रहे थे तुम पागल हो, पर आज पीछे मुड़ के मैं देखती हूँ तो गांधी जी की जो सीख थी प्रामाणिकता, सत्यवचनी, वो मुझे लगता है कि मैंने उस समय निभाया और आज मैं गर्दन ऊपर करके मैं समाज में घूम सकती हूँ कि हाँ मैंने कुछ पाप नहीं किया, अप्रामाणिक काम नहीं किया है। आगे अभय से मेरी शादी तय हुई। मैं बहुत अलग विचार से आती थी और अभय से शादी आने से, अभय से शादी नहीं थी, एक नए गांधी विचारधारा से शादी थी। मेरे घर से बहुत अपोजिशन था क्योंकि मेरे माँ पिताजी दक्षिण का यंगर ब्राह्मण और बहुत कर्मठ होते हैं, वैसे बहुत पढ़े लिखे लोग थे पर इस मामले में बहुत कर्मठ थे। उन्हें लगता था कि लड़की छोटी है, मुझे कहते थे यू हैव सीन द वर्ल्ड, यू डोंट नो एनीथिंग, तुम एडजस्ट नहीं कर पाओगे आश्रम का वातावरण और सामाजिक काम, तुम्हें तो बहुत पढ़ना चाहिए, तुम इतनी होशियार हो। पर मैं बहुत पक्की थी, मेरी जिद थी कि मैं अभय से ही शादी करूंगी। मेरे सास ससुर स्वर्गीय ठाकुरदास शिवम और सुमनताई बंको उस समय इमरजेंसी के दरम्यान वो जेल में थे, नागपुर के जेल में जाके मैं पहली बार उनसे मिली थी। आखिर में मेरे माँ पिता ने मुझे सम्मति दी शादी के लिए, पर उसके बाद प्रॉब्लम्स आने लगे क्योंकि मैं और अभय हम दोनों भी बहुत पक्के थे कि हमारी शादी कैसी।
मेरे पिताजी, मैं इस घर में सबसे छोटी, उनको लगा था कि बहुत धूमधाम से शादी करेंगे और मैं बहुत विरोध में थी। मैंने कहा नहीं, शादी एक पवित्र संकल्पना है और अमीर लोग पैसा खर्चा करते हैं और उनको देख के गरीब लोगों को भी लगता है कि हम पैसा खर्चा करेंगे और शादी करेंगे और वो कंगाल हो जाते हैं। तो मेरी शादी बहुत सिंपल होगी। हम दोनों ने तय किया था कि काका साहब कालेलकर से गांधी जी ने जब कहा था कि किसी की शादी करवानी हो तो वैदिक पद्धति के कुछ चीज़ें उसमें रखी जाए बहुत सिंपल तरीके से, तो हमने उस तरह की शादी करने का निश्चय किया। मेरे माँ पिताजी का बहुत विरोध था, हमारे घर की गच्ची पे शादी हुई, 10 मिनट में शादी हुई। मैंने और अभय ने सोचा कि बहुत खर्चा होता है। हम दोनों ने हमारे सब रिश्तेदारों को लिख के भेजा था, सिर्फ 25-25 मेहमान दोनों तरफ से आएंगे। हमने लिख के भेजा था कि हम शादी कर रहे हैं, कृपया आशीर्वाद दीजिए, आप खुद मत आइए क्योंकि उतना खर्चा बढ़ता है। अभी हमें लगता है कि थोड़ी भूल भी थी वो, पर उस समय का वो जोश था। और बैंड नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इस तरह की शादी हमने कि कुछ भी अभी मेरे माँ पिताजी से कुछ नहीं देगा, मैं वहाँ उनके तरफ से कुछ नहीं होगी। पर असली संघर्ष तब शुरू हुआ जब मैंने मेरे माँ पिताजी से कहा कि मैं कन्यादान नहीं कर ले लूँगी। मैंने कहा आई एम नॉट एन ऑब्जेक्ट टू बी डोनेटेड टू समवन। आप घर में भूदान करते हैं, सुवर्ण दान करते हैं, गोदान करते हैं, मैं कोई वस्तु मुझे आप किसी को दान करना चाहते हैं, मैं सिर्फ सप्तपति होने दूंगी पर मैं कन्यादान नहीं होने दूंगी। उनको बहुत गुस्सा आ रहा था, फिर भी पैसे तो भी माने। दूसरी शर्त मेरे माँ पिताजी से थी मंगलसूत्र के बारे में। मैं मेडिकल कॉलेज में जब पढ़ती थी तो मेरी बुआ के हस्बैंड की डेथ हुई साउथ में, विजयवाड़ा में। मैं गई थी तब, मेरी बुआ पहले ही बहुत दुख में थी और तीसरे दिन गांव की अयंगार समाज की औरतें जैसे मोर्चा लेके आई और मेरी बुआ की ये कुंकू तो उन्होंने पोष दिया पर उनके गले का मंगलसूत्र और उनके जो जोड़वे रहते हैं टोरिंग्स वो बिल्कुल ऐसे खींच के निकाल दिए। पर उसी समय मैंने निश्चय किया था कि ये स्त्री के लिए बहुत अपमान करने वाली बात है, इसलिए हमारी शादी के समय मैंने अभय से पूछा कि अभय मैं शादी में जरूर मंगलसूत्र पहनूंगी पर उसी शर्त पे कि यदि तुम भी शादी के समय कुछ पहनोगे। पति मर गया तो पत्नी मंगलसूत्र और ये टोरिंग्स निकालती है, पर यदि पत्नी पहले मर गई तो आदमी क्या निकालेगा, तो तुम वैसा कुछ पहनने वालों को वैसा टोकन तो ही मैं मंगलसूत्र पहनूंगी नहीं तो नहीं। अभी ने कहा नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं पहनने वाला हूँ। तो मैंने कहा ठीक है मैं मंगलसूत्र नहीं पहनूंगी। मैंने कहा कि गांधी जी ने स्त्री पुरुष समानता कही थी, उसमें मूल्यों की भी समानता थी, तो क्यों सिर्फ स्त्री को ही इस तरह का अपमान सहन करना पड़े। पर मेरे माँ पिताजी के लिए वो समझना बहुत बहुत मुश्किल था। वो कहते थे व्हाट इज द सैंक्टिटी ऑफ मैरिज, मैरिज की पवित्रता ही क्या है, तो मंगलसूत्र नहीं पहनना होता। और मैंने बहुत जिद की, पर मुझे लगता है कि उस समय हम लोग जवान थे, जोश में थे। माँ पिताजी हमेशा, मैं जब माँ बन गई हूँ तो लगता है कि माँ पिताजी हमेशा कितने निस्वार्थ होते हैं, कितने अपने बच्चों के लिए सब कुछ सहन करते हैं। उन्होंने परमिशन दी और हमारी शादी हुई। शादी के बाद वर्धा जिले में हमने काम शुरू किया। उसके बाद हम लोग गढ़चिरौली जिले में गए 1985 में। गढ़चिरौली जिले में काम करते समय, गढ़चिरौली जिले में जब हम पहुंचे उसके पहले महाराष्ट्र शासन ने, महाराष्ट्र के जो हेल्थ मिनिस्टर थे स्वर्गीय भाई सावंत और महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर थे हेल्थ सेक्रेटरी थे मिस्टर वी श्रीनिवासन, उन दोनों को जब पता चला कि हम लोग गढ़चिरौली जा रहे हैं तो उन्होंने हमें दोनों को कहा, गढ़चिरौली एक छोटा सा देहात था 3000 बस्ती का और अचानक 82 में वो जिला बन गया, चंद्रपुर से अलग हुआ और वहाँ कुछ भी नहीं होता था। तो उन्होंने हमें कहा कि आप दोनों भी वहाँ जा रहे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कुछ समय दीजिए,
वहाँ के प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में आप हमारे डॉक्टर लोगों की मदद कीजिए। तो हमने हाँ कहा। गढ़चिरौली जिले का पहला सीजरियन मैंने किया हुआ है, वहाँ कुछ नहीं होता था पहले। पर जब ये शासन के साथ में बात शुरू थी हमारी कि कैसी व्यवस्था हो, मुझे याद है हम लोग तभी अमेरिका से आए थे, वर्धा में थे। हमारा बड़ा बेटा 5 साल का था, छोटा बेटा 4 महीने का था। और एक दिन वहाँ के सिविल हॉस्पिटल से सिविल सर्जन ने मुझे संदेशा भेजा, वर्धा का सिविल हॉस्पिटल से गोपुरी जहाँ हम लोग रहते थे काफ़ी दूर था, करीब 5-6 किलोमीटर दूर था। और सिविल सर्जन ने मुझे कहा कि डिप्टी डायरेक्टर आए हैं और वो आप दोनों से मिलना चाहते हो, अभी से आपसे, तो आप सिविल हॉस्पिटल आइए। मैंने कहा कि अभय तो नहीं, अभय बाहर गाँव गया था। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप आइए। उन्होंने उनसे बात की और कहा कि नहीं आप ज़रूर आइए। मई का महीना था, मेरे पास कुछ भी वाहन नहीं था, दोनों छोटे बच्चों को घर में छोड़ के मैं पैदल सिविल हॉस्पिटल में पहुंची। और वहाँ मैं गई, वो डिप्टी डायरेक्टर वहाँ बैठे थे, उनके साथ में और सेंटर के डिप्टी सेक्रेटरी हेल्थ के बैठे थे। मैं जाने के बाद सिविल सर्जन को प्रणाम किया, उनको प्रणाम किया, पर वो जो डिप्टी डायरेक्टर व्यक्ति थी वो मुझसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं थी, वो उन्होंने मुझे प्रणाम ही नहीं किया। और फिर मैंने कहा कि मैं डॉक्टर रानीबेन हूँ, आपने बुलाया इसलिए मैं आई हूँ, सिविल सर्जन ने बताया कि आपने बुलाया इसलिए आई है। तो उन्होंने तुरंत कहा मैं इससे बात नहीं करना चाहता हूँ। मैंने कहा क्यों नहीं बात करना चाहते, बोले आप तो औरत है, औरत को क्या समझता है, हम तो डॉक्टर अभय पंत से बात करने आए हैं, आपको तो कुछ नहीं समझता होगा, आपको उनकी छत्र छाया हो सकती है। सचमुच वो इस तरह का कह रहे थे, मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी कि एक पढ़ा हुआ व्यक्ति डिप्टी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेस महाराष्ट्र का, और उस समय हमारे डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेस एक महिला थी, उसके बावजूद ये व्यक्ति मुझे कहता है कि मैं आपसे बात करना नहीं चाहता, आपको कुछ नहीं समझता होगा क्योंकि आप एक औरत हैं। मुझे इतना खराब लगा, इतना अपमानित लगा, मुझे लगा मैं चली जाऊँ यहाँ से। सिविल सर्जन उनको बता रहे थे तो वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। पर बाद में मुझे याद आया कि अत्याचार सहन करना भी एक हिंसा ही है, मैं क्यों इनका अत्याचार सहन करूँ। और सिर्फ उन्होंने मेरा अपमान नहीं किया है, पूरे समस्त स्त्री जाति का अपमान किया है, पर आज मुझे इनको बताना ही पड़ेगा। बाघ का नाम बापू के साथ में हमेशा हम लेते हैं, वो सिर्फ छत्र छाया नहीं थी। कोई भी औरत अपने पति के साथ में काम करती है वो सिर्फ छत्र छाया नहीं होती है, उसकी शैडो नहीं होती है, हरे महिला का खुद का एक योगदान होता है। तो मुझे लगा कि नहीं, मैंने मेरी और उन्होंने मेरी तरफ पीट करके तो दूसरी तरफ देख के बैठे। मैंने तुरंत मेरी कुर्सी उठाई, उनके सामने जाके मेरी कुर्सी मैंने रखी और मैंने उनको कहा कि देखिए मिस्टर, आप कहते हैं मुझे कुछ पता नहीं, पर आपकी जानकारी के लिए मैं बता रही हूँ, डॉक्टर अभय बन ने MD मेडिसिन किया है, मैंने MD गायनेकोलॉजी किया है, डॉक्टर अभय बंग ने मास्टर्स किया है हॉपकिंस से, मैंने भी मास्टर्स किया है, हम दोनों भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, हम दोनों भी हमेशा टॉपर रहे हैं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था बताना। और हम जो भी सरकार के साथ में हमारा पत्र व्यवहार होता है, हमारे दोनों की सही सिग्नेचर उस पर रहती है, सिर्फ डॉक्टर अभय बंग की नहीं। और आज मैं इसलिए यहाँ आई हूँ कि आपने मुझे संदेशा भेजा, सिविल सर्जन ने मुझे फ़ोन किया, इसलिए मैं आई हूँ। अब आपको मुझसे बात करनी ही पड़ेगी, आप मुझसे बात नहीं करोगे मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं, ना आपको जाने देंगे। वो बिल्कुल हड़बड़ा गए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि कोई औरत इस तरह से बात करती है। बोले नहीं, मैंने ऐसे ही बुलाया, ऐसे जस्ट आया हूँ वर्धा तो डॉक्टर साहब से मिल लेता हूँ वगैरह वगैरह। मैंने कहा कि इतना आप कैजुअल है,
आपको बुलाया था। और फिर मैंने उनको कहा कि देखिए, आप मुझसे बात नहीं करना चाहते थे, पर आपकी पूरा एटीट्यूड देख के अब मैंने सोचा है कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ। और फिर मैंने उनको कहा कि कभी भी किसी स्त्री का ऐसा अपमान मत कीजिए, आपकी खुद की सुपीरियर एक औरत है, आपके घर में आपकी पत्नी होगी, आपकी माता होगी, आपकी बेटियां होगी, आपकी बहनें होगी, कभी भी स्त्रियों का अपमान नहीं करना। और मज़े की बात है कि गढ़चिरौली में जब हमने काम शुरू किया, उसके कई साल बाद वो एक दिन हमारे घर आए और उन्होंने मुझे कहा कि मैडम मुझे माफ़ कीजिए, उस दिन मैंने आपसे उस तरह का बर्ताव किया था। तो मैंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप ये समझ पा रहे हैं। पर कैसे कैसे लोगों को लगता है कि महिला काम करती है तो उसका कुछ कुछ भी नहीं रहता है, वो पति के कारण उसका नाम हो जाता है, पति के कारण नाम भी हुआ तो भी वो पति जब काम करता है उसके पीछे वो औरत का कितना बड़ा त्याग रहता है, ये समाज जानता नहीं है। वहाँ हम लोगों ने काम शुरू किया स्त्रियों के स्वास्थ्य के बारे में, दुनिया का पहला अध्ययन मैंने किया है और वो लैंसेट में प्रकाशित हुआ। उस अध्ययन का मुद्दा था कि तब तक पूरे समाज में ऐसा माना जाता था कि स्त्रियों का स्वास्थ्य यानी सिर्फ प्रेगनेंसी, डिलीवरी, चाइल्ड बर्थ और फैमिली प्लानिंग। और एक गायनेकोलॉजिस्ट करके मेरे अनुरोध से मैंने देखा था कि बिल्कुल 12-13 साल की लड़की से लेके बूढ़ी औरत तक जिन्हें हमें जिनको हम गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कहते हैं, उस प्रकार की कठिनाइयाँ वो महसूस करती है। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, सेक्सुअल प्रॉब्लम, प्रजनन अंग के संक्रमण रोग, कई सारी चीज़ें होते हैं, बच्चा नहीं होता है। और फिर इसके बारे में जब मैंने जानकारी ली तो मुझे पता चला कि पूरे दुनिया में तब तक एक भी अध्ययन ऐसा नहीं था कि जिसमें इस तरह की पूरी जानकारी हो। इसलिए गढ़चिरौली जाने के बाद हमने वो पहला अध्ययन किया और वो लैंसेट में प्रकाशित हुआ। लैंसेट ने उसे पूरे डिकेड का बेस्ट रिसर्च करके उसको माना। और वो अध्ययन होने के बाद में भारत सरकार के ICMR में उन्होंने स्पेशल रिप्रोडक्टिव हेल्थ डिवीजन निकाला। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते हैं उन्हें पता है, ये शब्द मैंने ही कॉइन किया था कि स्त्रियों के स्वास्थ्य में प्रेगनेंसी डिलीवरी महत्व की है, फैमिली प्लानिंग भी महत्व की है, पर गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, उनके इन्फेक्शंस, उसके बारे में, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स के बारे में भी गांव के लेवल पे उसके लिए इलाज उपलब्ध होना चाहिए। जो लड़के लड़कियां यूथ रहते हैं उनका सेक्शुअल हेल्थ एजुकेशन होना चाहिए, क्योंकि समाज में जो अत्याचार स्त्रियों पर होते हैं तो हम हमेशा हमारी लड़कियों को बहुत समझाते हैं कि ऐसा बर्ताव करो, वैसा बर्ताव करो, पर लड़के जैसे छूट जाते हैं। हमारे लड़के क्या कर रहे हैं, बाहर जाके क्या करते हैं, किस लड़की के साथ, किस औरत के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। तो स्त्री पुरुष समानता यदि रखनी हो तो हमारे लड़कों को उसके बारे में सिखाना बहुत जागरूक है, बहुत ज़रूरत है, तो वो हमने उसमें रखा था। उसके बाद में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है WHO, उन्होंने स्पेशल डिवीजन WHO में बनाया रिप्रोडक्टिव हेल्थ डिवीजन। तब तक वो मैटरनल एंड फैमिली प्लानिंग डिवीजन ऐसा ही था। 1992 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी और उसमें मुझे हिस्ट्री में पहली बार, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में सभी मिनिस्टर्स जाते हैं, सरकारी लोग जाते हैं, उस बार उन्होंने मुझे पहली बार एक NGO के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया था और मैंने स्त्रियों के स्वास्थ्य के बारे में बात की थी। अब मेरा मेन लेक्चर वहाँ था, मैं लेक्चर देने के लिए जा रही थी। इतने में WHO में मेरी एक सहेली थी, भारतीय थी, वो मेरे पास आई और उसने मुझे कहा कि रानी मुझे तुमको कुछ मैसेज देना है। मैंने कहा किसका मैसेज है, क्या मैसेज है? तो उसने कहा नहीं, इंडियन मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्टर और मिनिस्ट्री के जो लोग आए हैं उन्होंने तुमको एक संदेशा दिया है। तो मैंने कहा क्या है बताओ? तो उन्होंने कहा कि रानी को जाके बताना कि वो भारत सरकार के खिलाफ
अपने भाषण में एक शब्द भी नहीं कहेंगे, और यदि उन्होंने अपने भाषण में कुछ कहा तो हम उनकी विल कैच करने का उत्सव, हम उनकी गर्दन पकड़ेंगे। मैंने मेरी सहेली को कहा कि